नमस्ते, मैं हूं तत्परा अहोरात्रा। आज के जमाने में हमें ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं देखने मिलेगा। इसे शिव पुराण के हिसाब से मेरे पिता अहोरात्रा द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे दारुजा लिंगा कहते हैं, यानी कि लकड़ी से बनाया गया शिवलिंग। इसे मृत वृक्षों की लकड़ियों से बनाया गया है। तो क्या होता है शिवलिंग? शिवलिंग सृष्टि का संकेत है। इस पृथ्वी के आरंभ काल के दौरान जब भगवान शिव अवतार लेकर धरती पर सृष्टि करने आए थे, तो उस कार्य के समाप्त होने के पश्चात कुछ ऋषि उनके पास विनंती करते हुए गए और कहा कि उन्हें शिव से जुड़े कुछ वस्तुओं की जरूरत है जिन्हें वो शिव मानकर पूजा कर सके। इसके उत्तर में भगवान शिव ने कहा था कि मुझे नहीं, मेरे कर्म यानी कि मेरे काम की पूजा करो। और ये उसी का कॉन्सेप्ट है, वर्क इज वर्शिप। हम सभी को ये गलत फहमी है कि भगवान शिव ही शिवलिंग है, जबकि ये उनकी बनाया गया सृष्टि का एक प्रतिरूप है। तो आइए जानते हैं इस शिवलिंग के बारे में। इस शिवलिंग के तीन भाग हैं। इसे नंद्यावर्था शिले कहा जाता है। ये पुरुष भाग कहलाता है। इसे सृष्टि, स्थिति और लया कहा जाता है। सृष्टि यानी कि हमारे चतुर्मुख ब्रह्म, इसलिए ये चौमुखी है। इसके ऊपर स्थिति यानी कि हमारे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को अष्टाक्षरी कहा जाता है, अष्टाक्षरी विष्णु कहा जाता है। इसलिए ओम न मो ना रा य ना य, यहाँ भी अष्टमुख है। इसके ऊपर लया यानी कि हमारे भगवान शिव, जिनका कोई सीमा नहीं है। इन्हें अनलिमिटेड कहा जा सकता है, शून्य कहा जा सकता है, असीमित कहा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। हमारे ब्रह्म भाग के नीचे नवरत्नों को बिठाया जाता है। फिर शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्म भाग को नंद्यावर्त शिले के ऊपर ऐसे स्थापित किया जाता है। फिर आता है हमारे सृष्टि का दूसरा भाग यानी कि स्त्री भाग। इस भाग को पार्वती भाग के नाम से जाना जाता है और पार्वती भाग को पुरुष भाग के ऊपर ऐसे स्थापित किया जाता है। इस शिवलिंग के ऊपर श्री चक्र को बनाया गया है और ऐसे ही स्त्री और पुरुष के संग द्वारा ये शिवलिंग परिपूर्ण होता है। इसे जो भी प्रार्थना करता है उन सभी को सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे देवालय किसी भी विद्यालय से कम नहीं। हमारे देवस्थान हमें समझाते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है और वो खुद ये नहीं जानते ऐसी जगह जहाँ पर वो मौजूद नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि सिर्फ पुरोहित भगवान का स्पर्श कर सकते हैं। सभी भगवान का स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भेद नहीं समझते। ये ही आकार है, ये ही विकार है, ये ही शुद्ध है और ये ही अशुद्ध है। धन्यवाद।